हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा सागर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गंगा और सागर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी सुबह के अब बजे हैं 6 और हमारी 4वीं जो है उठने के बाद, देखो इनका भी 7 बजे स्कूल है, 6:30 बजने वाले हैं मतलब, तो 4वीं हमारी जल्दी उठ जाती है, उसको उठाना पड़ता है सुबह, शाम को जल्दी सुलाना भी पड़ता है। अभी देखो चारों की मम्मी ने देखो सुबह उठ के चाय बना के सारा काम कंप्लीट करके नाश्ता भी बना दिया है, रेडी कर दिया है, और 4वीं को नाश्ता कराएंगी, इनको स्कूल के लिए तैयार कर दिया है। तो यानी कि सुबह की जो जिम्मेदारी होती है ना एक माँ की, वो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ बेटे खाओ नाश्ता कर लो। और छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना मोबाइल देखना है आधा घंटा। तो कहने का मतलब यह, देखो कल ही हमारी गंगा जी गांव से आई हुई हैं, आपको जैसे कि पता होगा कल तो बासु ने पूरा ये ऊपर की सफाई की थी, ये पूरी धूल से इसमें जो है बहुत गंदा हो गया था, पूरी ये दोनों चादरें ये चेंज किया, उसके बाद तकियों की खबर चेंज की है सब, और कल तो खैर बहुत काम हो गया था। अभी जो है बहुत ज़्यादा कपड़े तो इन्होंने धो दिए हैं, और अभी देखो अभी एक ये देखो आप देख सकते हैं पूरा ये बैग भरा हुआ है कपड़ों से, और एक बैग अंदर पड़ा है वो भी धो रखा है, और कुछ कपड़े छत में भी होंगे शायद वो भी धो रखे हैं, और ये हमारे जो है कुछ फल आए हुए हैं, कल पेटी आई हुई थी, और किचन में जो है कल इन्होंने काफ़ी सफाई की थी, देखो बर्तनों को जो है पूरा किचन में भी सफाई की। कहने का मतलब ये अभी आज जो है ये देखो मिर्ची का अचार बनेगा ये, और सब्जी रोटी तैयार है ना, अभी बर्तन धोने हैं, अभी गंगा जी ने बहुत काम करना है आज तो मैं गंगा जी की थोड़ा हेल्प करूँगा, आज मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ, और थोड़ा हेल्प करने के बाद तब जाके जो है कल से फिर मैं भी अपने काम पे और गंगा जी भी अपना फ्री हो जाती हैं, फिर आप सभी लोगों के संग जुड़ते रहेंगे गंगा जी। और आज मेरा बहुत काम हो चुका है, कल मैं पहाड़ से आई, और आज तो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ आज का दिन, और इतने सारे पूरे कपड़े धो दिए हैं, देखो पूरे कपड़े हाथ से ही धोए हैं, उधर भी धोए हैं, एक बाल्टी और लेके आ गई हूँ, तो इतने सारे मैंने कपड़े धो दिए हैं, बस आज का दिन मेरा है, और कल से आप लोगों का दिन है, कल से मैं आप लोगों को कमेंट करूँगी, आपसे बातें करूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ, क्योंकि घर से आके ना काम बहुत हो जाता है, फिर अंदर के ड्रेसिंग वगैरह करी, और आज 4वीं स्कूल भी गई है सुबह, मॉर्निंग में उठना बहुत मतलब नींद आ रही थी, क्योंकि पहाड़ में मैं 8 बजे उठ रही थी, लेकिन यहाँ मुझे 5 बजे उठना पड़ा, अपने यहाँ से खाना बनाना पड़ा, मिल रहा था खाना बना के, यहाँ बनाना पड़ रहा है, तो कल से मैं आप लोगों के लिए फ्री हूँ, और आप लोगों की वीडियो देखूँगी, वॉच करूँगी, और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना धैर्य बनाते हैं मेरे लिए, और अभी मैंने कम से कम 5 से 7 दिन हो गए हैं मुझे पहाड़ गए हुए, तो आप लोगों को कमेंट किसी को कर पा रही थी किसी को नहीं कर पा रही, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था वहाँ, फिर भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए पूरे यूट्यूब फैमिली को थैंक यू सो मच, और कल से डेली आप लोगों के साथ हूँ, और बने रहें मेरे ब्लॉग में आगे, आज दिन भर में क्या क्या करती हूँ। और अभी टाइम हो गया 10 बज गए, और 5 बजे से मैं उठी हूँ सुबह, और 10 बजे तो मेरा काम फ्री हो रहा है, पहाड़ से आई हूँ वहाँ तो नेचुरल हवा खा रही थी, और यहाँ आके देखो पूरा पसीने से, यहाँ पे पसीना पसीना बहुत गर्मी लग रही है, मन करता है कि ना जब यहाँ रहती हूँ तो पहाड़ जाने को मन करता है, बट जब पहाड़ से यहाँ आती हूँ ना तो जीना हराम हो जाता है 10 या 15 दिन। तो हस्बैंड बना कुछ भी नहीं रहे, चाय बना रहे हैं, क्योंकि नाश्ता सुबह बन गया है, 4वीं को स्कूल भेजा, लंच पैक किया, भाई ड्यूटी गया, आज इन्होंने छुट्टी करी, कल से ये भी अपना ड्यूटी जाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी इसलिए की तो थक भी गए थे, और मैंने कहा चलो आराम कर लो, फिर कल से कंटिन्यू आप जाते रहना। तो अभी पूरा काम मेरा फिनिश हो रहा है, और ब्लॉग भी शूट करना ही है, आप लोगों को पता ही है डेली ब्लॉग अपलोड करने हैं, और तो यही है मेरा डेली का रूटीन आप लोगों के साथ, और कुछ पहाड़ की यादें और पहाड़ की चीज़ें लाई हूँ आप लोगों को शेयर करूँगी कि क्या है। अभी थोड़ी देर में पहले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लगी, 10 बज गए हैं और खाना नहीं खा रखा अभी तक, नाश्ता भी नहीं कर रखा, सुबह चाय पी है तो चूहे दौड़े पेट में, तो पहले नाश्ता फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, आप लोग भी आ जाए नाश्ता करने मेरी यूट्यूब फैमिली। और आप लोग सोचते होंगे ना मेरी आवाज़ बैठ गई है, आवाज़ रियल में मेरे जो गले में ना एलर्जी हो गई है, मतलब मेरे मामा बोले थे कि एलर्जी हो गई, मतलब ठीक हो जाएगा, थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, यानी ठंडा पानी तो पी ले रही हूँ फिर भी, क्योंकि गर्मी इतनी है, देखो अभी नहाई पूरा पसीना, तो पी ले रही हूँ, तो उसकी वजह से आवाज़ बैठते जा रही है, तो हो ही जाएगा, थोड़ा मैं मतलब ध्यान रखूँगी तो हो जाएगा।